सागर जिला मुख्यालय पर जिला ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में किसानों के समर्थन में धरना दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष सुरेंद्र सुहाने ने दी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 43 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति केंद्र की भाजपा सरकार सकारात्मक रवैया अपनाने से परहेज कर रही है और यही कारण है कि प्रांतीय आह्वान पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ अन्नदाता के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस 11 जनवरी को पंडित मोतीलाल हाई स्कूल के सामने धरना देगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। तारीख को और 15 तारीख को और 23 तारीख को भोपाल में यह कार्यक्रम किसानों के हित में आंदोलन के रूप में पार्टी ने हाथ में लिया है। उसी के तहत हमारे सागर जिले से भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे किसानों की दिक्कतें हुई हैं। सागर में मात्र एक कैंट इलाका ऐसा है, कैंट के किसान को किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है, ना तो उसे फसल बर्बाद हो जाए तो फसल की राशि नहीं मिलना, अगर उसे कोई सरकार की जो भी जितनी भी अन्य जरूरतों की सहायता विभिन्न क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन कैंट के किसानों को ये सुविधा आज दिनांक तक ये सरकार नहीं दे पाई। आज फसल बीमा की बात कर लें, आज राहत राशि की बात कर लें, हमारे जो कल राजस्व मंत्री बनके स्वागत कराते हुए आए हैं, पहले भी राजस्व मंत्री थे, आज भी उनके कार्यकाल के राजस्व के प्रकरण जो अतिवृष्टि के कारण लोगों को नुकसान पहुंचा था, आज दिनांक तक उसका भुगतान नहीं हुआ। बीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ, मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हुआ। इन सारे की सारी दिक्कतों के बाद राजनीतिकरण इन किसानों के नाम पर आपने पिछली बार देखा हुआ किया गया। भाजपा के लोगों द्वारा सम्मेलन बुला के किसानों को राहत बांटने के नाम पर राहत कितनी बांटी? पिछले साल के 75% राहत नहीं दी, इस साल सिर्फ 33% राहत दी। आपको भी आमंत्रित करता हूं और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अलग जगा रहे हैं इस आंदोलन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, वो भी आपको सम्मान देने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल आपका प्रदर्शन होने, 11 तारीख को आपका प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या रहेगी रूपरेखा, क्या है आयोजन उसमें? दुबे जी, जो हम लोगों ने अभी पूरे जिले में लगातार दौरा किया है कांग्रेस जनों के साथ, कांग्रेस संगठन के माध्यम से, और भारी उत्साह मिला है। किसान पूरे तरीके से अब किसान आंदोलनकारियों के साथ में है और 11 तारीख को भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसा कि अभी हमारे गौर साहब ने भी कहा था, इसके पहले सुरेंद्र भाई ने भी कहा था कि किसान जो है इस वक्त किसी भी सीमा तक जाकर, इवन वो अपने प्रदर्शन के माध्यम से या जेल भी अगर उसको जाना पड़े तो भी वह किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा हो गया है, और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो सारे माध्यम उपयोग किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।